नमस्कार दर्शक लोग, हम हैं अनूप नारायण सिंह। आज रउरा सभे के मिलवावे जा रहा बानी भोजपुरी सिनेमा के महानायक कुणाल सिंह जी से। आज कुणाल सिंह जी हमनी के बीच में बानी आ जानल जाई कोई गो ऐसा सवाल जेकर जवाब कई महीना से ढूंढल जा रहा बा भोजपुरी सिनेमा के बचावे खातिर। तो सबसे पहले कुणाल जी हमारा कार्यक्रम में रहो, स्वागत बटे। चूंकि रउरा भोजपुरी सिनेमा के लीजेंड बानी, महानायक बानी, बट वृक्ष बानी, तो पहला सवाल कि भोजपुरी सिनेमा केकरा बदौलत बा। सबसे पहले तो हम आप तमाम दर्शक लोग के प्रणाम करतानी। देखिए का पूछनी है रउआ की? पहला सवाल कि भोजपुरी सिनेमा केकरा बदौलत बा। इस सवाले अपने आप में बहुत हम कह सकीले कि बेकार बा। भोजपुरी के बदौलत हम नहीं बानी, चाहे जे के हुआ केहू के बदौलत भोजपुरी नहीं है। चूंकि आजाद हिंदुस्तान के और आजादी के पहले भी हिंदुस्तान के भाषा के रूप में अगर कोई आत्मा रहे तो भोजपुरी रहे। वही से जे लोग ये सोचत हो खन कि हमारा चलते भोजपुरी बा, तो ईश्वर उनके सदबुद्धि दे। सवाल ये कि गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, दुल्हा गंगा पार के ऐसा फिल्म बनल जना में रउरा नायक भी रही, रउरा पहले भी बहुत अच्छा फिल्म बनल। उस सब फिल्म के अगर इतिहास लिखल जाला भोजपुरी सिनेमा के तो गर्व से लिखल जाला, लेकिन जैसे ही घगरा चोरी रिमोट तो फिर हमने की भोजपुरी पर अश्लीलता के ठप्पा लग जाला। कितना दर्द होला, कितना दुख होला कि जो गाछ रउरा लगैनी वो अभी फरे फुलाए के पहले ही ठूठ हो गई। हाँ, दुख तो जरूर होला। देखिए का बाकी व्यावसायिकता इतना भी ना हावी होके के चाहिए कि हम के हैं, हमार बाप दादा के रहन, हमार रीति रिवाज और संस्कृति का रहे, एकरा के हम खो दी। हमनी के संस्कृति में शादी ब्याह में जब दूल्हा बारात लेके आवेला तो ढेर औरत गाली देवल, लेकिन उस संस्कृति में बहुत मीठा लगेला। कहे थे कि दूसरा सवेरे जब लड़की विदा हो खेली तब पूरा गांव लेकी के विदाई में रोवेला भी जी। लेकिन अब ई अश्लीलता के अगर सिनेमा में दूसरा रूप में परोसल जाए, जौन हमनी के जिंदगी से जेकर कोनो सरोकार नहीं खे जी, कहीं ओकर जगह नहीं खे जी, तो सिनेमा के नाम पर अगर हम ओकरा के वैसे परोसब तो हम अपन पहचान मिटा रहे बानी जी। हम केहू के भला नहीं करत, हम अपने नुकसान कर रहे। हमरा नजर में यही लगे भोजपुरी सिनेमा में कई ऐसा शब्द बटे, एगो शब्द पर रिसर्च कर रहा बा लोग जो भोजपुरी के मानत लो कि हम बहुत बड़का ठेकेदार बनी, भोजपुरी के बचावे के ठीका ले बनी भतार। हमनी भोजपुरी इलाका के रहे वाला बनी, भोजपुरी ऐसा एगो ग्राही भाषा बा, जितना भी शब्द बटे देशज विदेशज दूसरा भाषा के भी अपने ग्रहण कर गई बटे, मिठास बटे, बहुत ऐसा शब्द बा जो अश्लील नहीं खे। लेकिन कैसे माना तो नहीं, कुछ लोग ठेकेदार बन गई बा अश्लीलता के नाम पर, ओकरो दुकान चलत अटे, कुछ लोग अश्लील कामो करत अटे, फिर दोनों आदमी मिल जाता लोग, यही लोग आंदोलनों करता लोग, यही लोग विरोधो करता लोग। अब भोजपुरी के जो सिनेमा बा भाषा बा जन भाषा के अभी अठवीं अनुसूची में स्थानो नहीं के मिलल, वो फिर जब के जब समस्या रह जाता थे, कितना दर्द होला रउरा। देखी कुछ लोग हमरा जो सब देख रहल बानी, सुन रहल बानी, पढ़ रहल बानी जी, कुछ लोग खाम खा के बुद्धिजीवी बने के प्रयास में जी अनावश्यक वस्तु और शीर्षक और ऐसन समस्या लेके खड़ा हो जाए जी। रुआ भतार शब्द कहनी है जी। भतार हमनी के भोजपुरी भाषा में बहुत पहले से बोलल जा रहल बा, प्रचलित शब्द बा, और भतार के मतलब होला भव तारक जी। एक स्त्री के जब ब्याह हो जाला जी तो ओकर जीवन संपूर्ण रूप से ओकरा पति के समर्पित होकर देवली, और ओकर भविष्य फिर मिलजुल के दोनों गाड़ी के दो पहिया ऐसा सुख दुख के साथ कटेला। लेकिन अब यही में से कुछ लोग खड़ा होकर भतार के अश्लीलता के शब्द बना दिला, तब वही में समस्या का हो जाला कि जो समस्या नहीं हो कर एक समस्या बना दिया जाए जी, ताकि हम चर्चा में रहें जी। तो उससे कोई आदमी बुद्धिजीवी ना हो वाला। कुछ ऐसा शब्द बा जे हम पीढ़ी दर पीढ़ी से चल आ रहा बा,
तो उ सब अभी भतार पर कोई चर्चा करी मने हमरा बुझाता कि बेकारे बात। अच्छा ई बताई कुणाल जी, ई रोड़ा तो जितना फिल्म में काम कोई नहीं सब फिल्म सुपरहिट रहे, और एगो नया आयल बाटे सोशल मीडिया, लोग कहत कि हमार 12 करोड़ व्यू हो गई, हमार 22 करोड़ व्यू हो गई, तो ई दर्शक कहाँ चल जाता ना, जब उनका सिनेमा लगता तो 8 गो 10 गो 20 गो बिहार में जो वितरक बा लोग कपार पीटता लोग कि अब केकर फिल्म लगाई सर कि हमनी के लागत लागो, तो क्या रोड़ा लागत अटे कि सब झूठ के व्यापार क के और भोजपुरी सिनेमा के नुकसान करता लोग। देखी अपना गाल में थप्पड़ मार के कोई लाल कर ले तो उसे लाल गाल ना हो जाला। हमनी के जब नायक रहनी है, चाहे हमरा पहले जो लोग नायक रहलन, चाहे सिनेमा जोन बनल, उस समय तो सोशल मीडिया ना रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ना रहे, और तब भी प्रचार होत रहे। अब बहुत ऐसा अंग्रेजी आर्टिकल के ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखे वाला भी पत्रकार रहन लोग, जिनका भोजपुरी बोले में भी शर्म आवत रहे, और भोजपुरी कलाकार और सिनेमा के बारे में लिखे में उनका कलम के स्याही सूख जात रहे। लेकिन सिनेमा के कंटेंट ओकर जोन जोन सिनेमा की जो वस्तु रहे, जोन आत्मा रहे, गीत संगीत के आत्मा रहे, वो अपने आप में इतना वजनदार रहे कि मार ट्रैक्टर में आदमी औरत घर के माई बहन 3 बजे के शो में टिकट ना मिलल तो सत्तू सिनेमा हॉल में बांध के 6 बजे के देखे के बाद, लेकिन गंगा किनारे मोरा गांव बैरी कंगना दुनिया जहान सिनेमा देखे के बाद खत्म हो गए। चूंकि जब आप हर पल दिखाई पड़े लगा, हर चौराहा पर दिखाई पड़े लगा, तो आपके देखे खातिर सिनेमा में टिकट के कटा के जाए। सिनेमा के सितारा तो ऐसा हो रहा है जेकरा देख सकम मगर छू ना सकम, तबे हम अपना जेब से 50 रुपए के टिकट कटा के लाइन में खड़ा हो खबर सिनेमा हॉल में जाए। लेकिन इस सोशल मीडिया के चलते आपके सहज रूप में घर घर में पहुंचा दिलस, आप रुआ नहा कैसे बानी, खाना का खा रहा बानी, का बोल रहा बानी, तो जब सब देखिए रहा बा तो भाई सिनेमा में देख लगे का जरूरत बा। ऐसे हमरा बुझाता कि सिनेमा के व्यवसाय पर बहुत भयंकर असर पड़ल बा, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा वजह बा, और महिला दर्शक दूर हो गई ली, और हमार सिनेमा देखिए कोई भी क्षेत्रीय भाषा के सिनेमा ओकर साउंड ऑफ कर देबा। अब खाली पिक्चर देखब तो रुआ के लगी कि ये साउथ के दक्षिण के भारतीय बाई मराठी बाई बंगला बा, लेकिन भोजपुरी के अगर साउंड ऑफ कर दे तो पते न लगी कि कौन भाषा के सिनेमा, चूंकि पहरावा अलग, वेशभूषा अलग, सिक्वेंस जो घटना घट रहा बा वो अजीब टाइप के हो रहा बा। अच्छा वही में जो भोजपुरी बोल रहा बारे कलाकार वो 5 तरह के 5 भाषा में बोल रहा बारे भोजपुरी, तो सब ऐसा मिक्सचर हो गए बा कि हम अपना वास्तविकता ही खो देनी। अब जैसे कौआ चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूला, तो हमनी के वह दुर्गति हो गई बा, एकरा के संभालने पड़ी। और आज की युवा पीढ़ी जो सिनेमा बना रहे बाड़े, जो अभिनय कर रहे बाड़े, सब लोग के हम निहोरा करतानी कि रुआ लोग एक पर गंभीरता से विचार करी कि अपना पहचान के जिंदा कैसे रखा। तो वही सिनेमा बनाए, तकनीकी स्तर आज के रखे, चूंकि समाज बदल गई बा, वक्त बदल गई बा, तभी हमनी के जिंदा रह सकीले, वरना बहुत मुश्किल। 40 साल कोनो इंसान खातिर बहुत बड़ा समय होला। 40 साल तक भोजपुरी सिनेमा के एक छत्र राजा के रूप में रउरा सम्मान पहले बनी, अभी भी रउरा समकक्ष में लोग कितनो दावा कर ले वो जो मान सम्मान और रूपहला पर्दा देले बा रउरा के कोई के नहीं मिल सकत। लोग तेजी से आ रहल बा, तेजी से स्टारडम भी बन रहल बा, तेजी से कहाँ गायब हो जाता लोग ये पता नहीं चलत। रउरा का माना तनी कि एकरा खातिर के जिम्मेवार बाटे, जे भोजपुरी सिनेमा के भी विनाश करत अटे, एगो नायक के परिभाषा के भी दूषित करत अटे, आ जे एगो बनल बनावल परिपाटी बा भोजपुरी के ओकरो के अपना स्वार्थ खातिर लोग बर्बाद करत, केकरा केकरा के रुरा दोषी मानत नहीं, या का कैसे एकरा के ठीक कइल जा सकत। देखिन हम तो ये चाहब कि जैसे हम अपना जीवन में सोचत रहनी है कि पहले हम जब छोटा रही तो
लोग हमारे पिताजी के नाम से हमरा के जानत रहा। जब हम सिनेमा में थोड़ा सफल हो गए नी तो लोग कहे लगलन कि कुणाल जी के बाबूजी हम जी। तो भोजपुरी में 40 साल गुजरला के बाद हमरा मन में यही एगो बात आवरता कि ये बाबू लोग ऐसन काम कर ऐसन पहचान बनावा कि लोग कहें कि रउआ लोग के पिताजी के रोल कुणाल जी करत रहा। जैसे कुणाल जब नायक बनलन तो कहन कोई पूछत रहे तो बोलत रही कि सुजीत भैया हमार बाबूजी के चाहे बड़ा भाई के रोल करता रहे, तो उनमें गौरवान्वित महसूस करत रही कि उनका साथे हम काम कर रहे माँ जी। तो वैसे करे के पड़ी, अपना पहचान कितना सशक्त मजबूत बनावे के पड़ी और हमेशा अपना पूर्वज के सम्मान जी अगर ना दे तो आपके सम्मान कभी ना मिले, ये मूल मंत्र वा जीवन के एक माने के पड़ी। तो मेहनत करे के पड़ी और सब लोग समझदार बा, जे आज सिनेमा में सक्रिय बढ़न सब लोग समझदार बढ़े समझ जाई हैं। थोड़ा तनी लेकर सब तनी अति उत्साह में अभी थोड़ा सा कुछ चीज के नजरअंदाज कर रहे बाढ़े, लेकिन सब गंभीर। लेकिन एगो एगो और इस सवाल पूछे थे मुंडा से कि जे लॉबी बाजी का एक भोजपुरी सिनेमा में हो गई बा, कई गो बढ़िया कलाकार बा लोग अभिनेता अभिनेत्री बा लोग जरा काम नहीं मिलत आ कुछ लोग जब अपना पॉकेट में भोजपुरी सिनेमा के लेके चले के घमंड में बटे का लोग के घमंड टूटी जौना हिसाब से फिल्म फ्लॉप होता थे वितरक से लेके निर्माता तक बर्बाद हो रहा बा लोग लागत है कि ऐसा लोग के बहिष्कार होके के चाहिए नया कलाकार के लेके फिल्म बने के चाहिए जो टैलेंटेड कलाकार बा ओकरो पर दाव लगावे के चाहिए। देखिए हम तो एक के बात कहब जी कि लॉबी और केकरो रोक देला से कोई रुके ला ना जी, हाथ फैला के तूफान के नार कोई रोक सके जी। बात ही बाकी उ लोग अभी समझत नहीं खन कि कुर्सी वही रहला बैठे वाला लोग बदलत रहला जी। और निर्माता लोग से भी हम गुजारिश करब जी कि रउआ लोग जब मेकर कहा जाला आप निर्माता हैं और निर्माता जब रउआ बानी आ रउआ जो सोच रहल बानी वही चीज बनत नहीं है तो काहे के निर्माता बानी जी। ये अपना आप में भी आत्मविश्वास पैदा करे के पड़ी और सब लोग से मिलजुला के जोन आवश्यकता बा जोन गुणी कलाकार बा वो सब के मौका मिले के चाहिए और जे जिनका के मौका नहीं खे मिलत भाई लोग हम कहता नहीं कि हाथ फैला के तूफान ना रोकल जा सकेला जी। मेहनत करब अपना ऊपर भरोसा रखी जी। एक दिन रावरो समय आई यहाँ के बानी कुणाल जी और बिना लाग लपेट के उस सब लोग के यहाँ के सचेत करतनी है वो गार्जियन के नाते कि भोजपुरी सिनेमा के जो स्तर अभी तक चलत आई बटे काफी बढ़िया बटे एमे सभे के मेहनत बा, कोई खास व्यक्ति के यहाँ के खुद भी क्रेडिट नहीं की लेत कि हमरे चलते भोजपुरी सिनेमा बा चाहे हम ही आ गए नहीं तो भोजपुरी सिनेमा के बूम आ गई। यहाँ के माने के बा कि हर एक छोट से छोट कलाकार जो भोजपुरी के बारे में सोचता काम करता सब कोई के योगदान बा आ जे कुछ लोग बीच में आयल बा जेकरा लागता कि भोजपुरी उन्हीं के चलते बा चाहे वो जो चाहिए वह भोजपुरी में हुई तो भोजपुरी के जो संसार बा भोजपुरी के जो दर्शक वर्ग बटे काफी लमहर बटे लोग भी इंतजार करता कि भोजपुरी में कुछ प्रयोग वाद होके आ दोसर कुणाल सिंह भी भोजपुरी सिनेमा में आवस ऐसा लोग चाहता मिलल जाए कोनो ऐसा ही बरहन कलाकार से यही कार्यक्रम में यही चैनल पर। तब तक खातिर दी विदा, नमस्कार।